जो बच्चे के डॉक्टर ग्रोथ कम बताते हैं, मतलब जीवन शक्ति से इस बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाए। यस, नौवां महीना शुरू हो गया, क्योंकि नौवें महीने में होती है ना डिलीवरी, तो नौवें महीने में इस बच्चे का वेट क्या है? सिर्फ 1 किलो, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रार्थना। और अगले दिन गए फिर चेकअप के लिए, 2 जनवरी मंगलवार। अगले दिन फिर 2 जनवरी को गए, और जब दूसरे दिन गए फिर अल्ट्रासाउंड हुई, फिर कितना वेट आ गया? 2 किलो 300 ग्राम। ये हमारा खुदा, मैंने कहा ये हमारा जीवन खुदा। गवाही को, क्योंकि मैं हमेशा ही एक चीज आपको बोलता हूं कि जब ढोल बजता है तो ढोल बजने का एक कारण है ना, क्योंकि कोई खुशी की बात है, तो हम गवाही सुनते हैं ये ढोल क्यों बजा रही है ना। हाँ ठीक है, शुरू करो। हालेलुया। तो इनका नाम, सिस्टर का नाम नेहा है, और जो पोए गाँव के रहने वाले, और इनके साथ इनके हस्बैंड है। और इनकी गवाही जे बता रहे हैं कि जब इनकी मैरिज हुई थी 2022 में, तो जे बता रहे हैं कि जब जे सिस्टर प्रेग्नेंट हुए, तो जे बता रहे हैं कि प्रेग्नेंट होने के बाद इनका मिसकैरिज हो गया। और जे बता रहे कि फिर जब सेकेंड बार फिर से जब जे प्रेग्नेंट हुए, तो जे बता रहे कि फिर से इनका मिसकैरिज हो गया, और जे काफ़ी परेशान हो गए थे, क्योंकि जे सिस्टर तो विश्वास नहीं करते थे, पर इनके हस्बैंड विश्वास करते थे और जे इस मिनिस्ट्री में आ रहे थे। और जैसे जब इन्होंने सेकेंड बार मिसकैरिज होने के बाद जब इन्होंने चेकअप कराया कि इनकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, तो डॉक्टर ने बताया कि इनके यूट्रस में स्वेलिंग की प्रॉब्लम है और ब्लड जमा है, जिसके कारण जो प्रेगनेंसी नहीं हो रही और जो बेबी कंसीव नहीं कर पा रहे। तो जो बता रहे हैं कि फिर इनके हस्बैंड ने इनको अपने साथ जो मीटिंग में लेकर आ रहे थे, और लगातार जो हर मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, और जो सिस्टर थे बिल्कुल नए थे, कुछ भी नहीं जानते थे, क्योंकि जो नॉन बिलीवर थे, पर जैसे जो लगातार जो आ रहे थे, फिर जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के बारे में समझ चुके थे, और लगातार जो विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर मुझे ब्लेस कर चुके। तो जो बता रहे कि जब भी परमेश्वर के दास प्रेयर करते थे कि जिन बहनों के पास बेबी की ब्लेसिंग नहीं है, तो परमेश्वर उन्हें बच्चों के साथ ब्लेस कर चुके, क्योंकि जो बच्चे यहोवा की मीरास है, तो जो विश्वास करते रहे और धन्यवाद करके अपने लिए रिसीव करते थे। और जो बता रहे कि जैसे फिर परमेश्वर ने इनको जो बता रहे कि जब जो प्रेग्नेंट हुए, परमेश्वर ने बेबी के साथ इनको ब्लेस किया, तो जो बता रहे कि जितनी भी प्रॉब्लम थी, परमेश्वर ने सारी प्रॉब्लम से इनको, जो कि बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही थी, उस प्रॉब्लम से इनको फ्री कर दिया, क्योंकि वो एक नेगेटिविटी के प्रभाव से थी। तो परमेश्वर ने जैसे उससे फ्री किया, तो जो ब्लेस हो गए। और जो बता रहे कि जब फिर इन्हें 5वां मंथ लगा, इनके प्रेगनेंसी 5वें मंथ की थी, तो जो बता रहे कि उस समय जब डॉक्टर ने इनके टेस्ट किए, तो डॉक्टर ने बताया कि जब टेस्ट करने के बाद इनको बताया कि आपके एक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जो कि VTRL इन्फेक्शन है, जो कि 1.16 है। तो जो बता रहे कि जैसे जो डॉक्टर बार बार जैसे चेकअप करा रहे थे, तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बता नहीं रहे थे कि जो इन्फेक्शन इसके कारण क्यों हुई और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो फिर से इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की, तो परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया कि परमेश्वर जिस खुदा ने आपको ब्लेस किया, वो सब कर सकते हैं, और आप फिर से हॉस्पिटल जाना, आपका वो आपको बताएंगे जो भी आपके लिए सही होगा। तो जो बता रहे कि जो इनके डॉक्टर बात नहीं सुन रहे थे, 3-4 दिन हो गए लगातार जा रहे थे टेस्ट कराने के बाद भी, तो फिर से ऐसे डॉक्टर ने इनकी बात को सुना, और उन्होंने ऐसे अमृतसर किसी और हॉस्पिटल में, बेबी नानकी के हॉस्पिटल में इनको भेज दिया। तो वहाँ पर डॉक्टर ने इनका अच्छे से फिर से चेकअप किया, और जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दिखाई, तो उनको पता चला कि इनकी जो इन्फेक्शन VDRL है। तो उन्होंने फिर से इनको बोला कि अब फिर से एक बार अपने टेस्ट हम करना चाहते।
जब उन्होंने फिर से टेस्ट किया तो जो इनकी इन्फेक्शन पहले 1.16 थी और फिर से 1.32 हो गई, और भी बढ़ गई। तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आप इतनी लेट क्यों आए हो, तो जो बता रहे कि फिर इन्होंने बताया कि ऐसे हमें डॉक्टर कुछ भी नहीं बता रहे थे और जिसके कारण हम काफ़ी लेट हो गए। तो इन्होंने फिर डॉक्टर ने इनका इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बताया, और उस समय इनको जब डॉक्टर ने कहा कि जो इसका ट्रीटमेंट है अभी आपको 7वें मंथ से आपने इंजेक्शन लगवाने शुरू करने हैं और हफ्ते में 1 इंजेक्शन लगेगा और 3 इंजेक्शन हम लगाएंगे। और जैसे फिर से इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की और बताया, तो फिर इन्होंने वो इंजेक्शन लगवाए और विश्वास किया कि परमेश्वर इस प्रॉब्लम से इन्हें फ्री कर चुके, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि जो इन्फेक्शन बहुत खतरनाक है, जब आपकी डिलीवरी होगी तो उस समय इन्फेक्शन के कारण आपके बेबी और आपको खतरा हो सकता है। और फिर जब बता रहे कि उसके बाद जब बता रहे कुछ 8वें मंथ में जब इन्होंने फिर से चेकअप कराए, इनके कुछ टेस्ट हुए, तो फिर इनका जो HP था वो सिर्फ 8 ग्राम था। तो उन दिनों में फिर जो लगातार जिस मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, तो इन्होंने एक सिस्टर की गवाही को सुना था कि जो वो भी प्रेग्नेंट थी और उस समय उनका भी जो HP था वो 6 ग्राम था। तो जैसे वो भी पॉजिटिव विश्वास में बने थे, तो इन्होंने उस गवाही को रिसीव किया, तो एक ही हफ्ते में जो बता रहे जो इनका HP था 12 ग्राम हो गया। तो इन्होंने उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद किया। और फिर जो बता रहे जब इनको 9वां मंथ लगा, तो जो बता रहे कि फिर से डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, क्योंकि उस समय जो बता रहे कि उसमें प्रॉब्लम आई कि बच्चे का जो वेट है सिर्फ 1 किलो का था और डिलीवरी में थोड़ा ही कुछ ही समय बचा था। और जो बता रहे कि जैसे डिलीवरी का टाइम भी नज़दीक आ गया, जब फिर से जो डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर इनको कुछ नहीं बता रहे थे कि क्योंकि इनके बेबी का वेट जैसे वो चेक करते तो वो बता रहे थे कि अभी भी वेट नहीं बढ़ा, अभी 1 किलो का है। और 9वें मंथ तक इनका बेबी सिर्फ 1 किलो का था, जिसके कारण जे भी काफ़ी परेशान हो गए थे। पर फिर से इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ मीटिंग की, तो परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया कि परमेश्वर पर विश्वास करें, धन्यवाद दें, कुछ नहीं होगा। तो जो बता रहे कि जब डिलीवरी का टाइम और भी नज़दीक आ गया, इनको ऐसे प्रॉब्लम आ रही थी, और जो बता रहे कि जब जी डॉक्टर के पास गए तो फिर उन्होंने कुछ नहीं बताया। और जे वहाँ से सीधे ऐसे उस दिन पर्सनल मंडे की मीटिंग थी और उस दिन न्यू ईयर का फर्स्ट दिन था, और जे उसी दिन ही हॉस्पिटल से सीधा भवन में आ गए। और फिर इन्होंने परमेश्वर के दास के साथ जैसे ही मीटिंग की और परमेश्वर के दास के द्वारा इनके लिए प्रेयर हुई, क्योंकि उस समय इनके बेबी का वेट और ग्रोथ बहुत कम थी। और हम उस समय की वीडियो को स्क्रीन पर देखते हैं। जो इसका बीपी का रोग है, यीशु मसीह तेरी दुनाम समर से इसका बीपी नॉर्मल हो। जो बच्चे की डॉक्टर ग्रोथ कम बताते हैं, खुदावन जीवन शक्ति से इस बच्चे की ग्रोथ बढ़ जाए। यस खुदा, सारा इसके बेबी को मैं नॉर्मल करता हूँ, खुदावन तेरे हाथों में देता हूँ। कोई अंधकार की शक्तियां, पाप की शक्तियां इसके जीवन में, इसके बच्चे के जीवन में कार्य न करने पाए। मैं हर अंधकार की शक्ति को मैं डांटता हूँ यीशु मसीह तेरे नाम से, राइट नाउ मैं डांटता हूँ खुदावन तेरे नाम से। यस खुदावन, मैं इस केस को, इस बच्चे को, तेरे इस बच्ची को तेरे हाथों में देता हूँ। यस खुदा, मैं डिलीवरी की घोषणा करता हूँ खुदावन। यस खुदा, जो मुश्किल आ रही, जो डॉक्टर बोल रहे हैं खुदावन बच्चे का वेट कम है, खुदा तेरी जीव शक्ति से आज से उसका वेट बढ़ चुका खुदा तेरे। और जब बता रहे कि जैसे फिर इनके लिए प्रेयर हुई थी और नेक्स्ट अगले दिन ही डॉक्टर ने फिर इन्हें बुलाया था कि हम आपका अल्ट्रासाउंड करेंगे और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर हम फिर आपको बताएंगे, क्योंकि बेबी का वेट कम है। और जैसे प्रेयर के करने लेन होने के बाद जब जे अगले दिन हॉस्पिटल में गए, तो इनका जब अल्ट्रासाउंड किया, तो जब बता रहे कि जैसे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी, जो कि इनके बच्चे का वेट सिर्फ 1 किलो था। और जब बता रहे बाद में जो वेट था वो 2 किलो 300 ग्राम का इनका बेबी था, और डॉक्टर ने बोला कि अब आपकी डिलीवरी हो सकती है। और जब बता रहे फिर सेकंड डे, दूसरे दिन जैसे प्रेयर हुई, नहीं उनको दे दो, जब आप क्या शुरू में क्या हुआ, 5वें महीने में क्या प्रॉब्लम आई? पापा जी, जो मैं 5वें महीने के सारे टेस्ट करवाए थी,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰਮਲ ਵੀਡੀਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਨੇ ਸੁਣਾ ਕਿ ਇਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡੈਵਲ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੇ ਇਸਕੇ ਦੋ ਮਿਸਕੈਰਿਜ ਕਰ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੋ ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ से आती रही खुदा के घर में उसके पास आती रही रिसीव करती रही परमेश्वर ने ब्लेस तो कर दिया पर तब भी शैतान अपनी योजना बनाकर बैठा इसके जीवन में बोलो क्या परमेश्वर ने ब्लेसिंग तो मिल गई बच्चे की ब्लेसिंग तो मिल गई पर पांचवें महीने में क्या रोग दे दिया शैतान ने VDRL इन्फेक्शन का नाम ऐसे है ना वो आ गई तो क्या कहते थे डॉक्टर फिर ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 16 ਸੀ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ 16 ਥੀ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇ
मिनट बत्ती आ गया सी, उन्होंने कहा तुसी ज्यादा लेट कीता तानु खतरा हो सकता। फिर खतरा हो सकता, क्या खतरा क्या बताया था? बस इतना ही उन्होंने दसया कि ताडी डिलीवरी च प्रॉब्लम आ सकती, कोई भी कुछ भी हो सकता है, आपको भी और बच्चे को भी कुछ हो सकता है। ठीक है, कोई नॉर्मल जो ऑपरेशन है, इसी तरह से फिर टाइम बीतता गया और नौवां महीना आ गया। सातवें महीने से इंजेक्शन लग गए थे। अच्छा, सातवें महीने में उस चीज के इंजेक्शन तो लग गए। फिर नानकी वाले ने गुरु नानक हॉस्पिटल स्किन वाले डॉक्टर को भेजा। ओके, फिर उन्होंने सारे टेस्ट करवा के ते शुक्रवार दे शुक्रवार इंजेक्शन लाए। तीन इंजेक्शन लाए, पहला उन्होंने कह दी मेडिसिन तीन महीने दिया ते तुही तीन इंजेक्शन लवा लो, हफ्ते बाद लगूगा। फिर आप मेडिसिन नहीं खादी, इंजेक्शन नहीं लवाए, तो उस तो बाद उन्होंने कहा कि तुही तीन महीने बाद भी टेस्ट करवाना वीडीआर। फिर इस तरह अठवें महीने च दोहरे टेस्ट करवाए थे, खून 8 ग्राम आया। फिर मैं एक गवाही सुनी चर्च च आई एतवार, तो गवाही सुन के एक हफ्ते के बीच 12 ग्राम हो गया। वेरी गुड, तारीफ करो। ओके, उसके बाद फिर पापा जी उन्होंने 11 दिसंबर को अल्ट्रासाउंड करवाई, ओदे विच भी कहा कि वेट घट आउन दिया वा। मतलब तब कौन सा महीना था, सातवां के कितना, नौवां लग गया, नौवां महीना, दो दिन घट सी नौवें महीने च, नौवें महीने में दो दिन कम थे। हां जी, और फिर अल्ट्रासाउंड हुई। हां जी, फिर इसका वेट कितना आया, 1 किलो, 1 किलो आया 9 महीने में। नौवां महीना शुरू हो गया, क्योंकि नौवें महीने में होती है ना डिलीवरी, तो नौवें महीने में इस बच्चे का वेट क्या है, सिर्फ 1 किलो। बोलो क्या है, फिर क्या बताया डॉक्टरों ने? फिर पापा जी नाल ही लकोरिए दी प्रॉब्लम भी होगी, पानी पैन रह पिया सी। फिर उन्होंने हर हफ्ते साथ दे रहे मेडिसिन दिंदे रहे, ते आपा पूछिया उन्होंने कि डिलीवरी नॉर्मल होनी जा ऑपरेशन हो, कुछ नहीं दसदे। उन्होंने 1 जनवरी महीने की 21 तारीख दी सी। ओके, फिर आपा न्यू ईयर वाले दिन उन्होंने हमें सद्या 1 जनवरी, आपा उदन गए, उन्होंने कुछ नहीं दसिया, कहिंदे कि वेट घटिया दाखिल हो जाओ। आपां उत्थे एडमिट नहीं होए, मम्मी नूं मैं कहा नहीं होना। ते फिर सोमवार ही उदन परसनल मीटिंग ही, ते आपां तां मतलब चर्च च आ गए, आउण लग्गे। आप सीधे यहां पे आ गए? हां जी। उसके बाद फिर सारी गलबात मैं आन के तुहानूं दसी, तुसीं ले हैंड कीती। फिर रात नूं ही, अभी सुनो, आपने अभी अभी ले हैंड देखा ना, बोलो क्या है? अभी अभी आपने ले हैंड देखा कि जो बच्चे की ग्रोथ के लिए प्रार्थना हुई, और अगले दिन गए फिर चेकअप के लिए, 2 जनवरी मंगलवार, अगले दिन फिर 2 जनवरी को गए, और जब दूसरे दिन गए फिर अल्ट्रासाउंड हुई, फिर कितना वेट आ गया, 2 किलो 300 ग्राम। वाओ, ये हमारा खुदा, मैंने कहा ये हमारा जीवित खुदा, अनोखे काम करीदा है, खड़े होकर करनी चाहिए, खड़े होकर करीदा है, करीदा है यहोवा।
इम्पॉसिबल है, हो नहीं सकता, मेडिकल साइंस से भी नहीं हो सकता। बताओ मुझे, हो सकता है? हो सकता कभी? एक दिन में कितना वेट बढ़ जाए? एक दिन पहले बेबी का वेट 1 किलो है, प्रार्थना होने के बाद दूसरे दिन कितना हो गया? 2 किलो? 300 ग्राम। 300 ग्राम हो गया। 1 किलो 300 ग्राम बढ़ा दिया एक ही दिन में। बोलो क्या बढ़ा दिया? खुदा ने एक ही दिन में बढ़ा दिया। इम्पॉसिबल है, कभी ऐसे नहीं हो सकता। बोलो कभी भी ऐसे, पर ऐसे काम कौन कर सकता है? बोलो कौन कर सकता है? वही परमेश्वर जो स्वर्ग से आया, हमारे पापों के लिए क्रूस पर लटका और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसी जी उठने की सामर्थ्य ने यह बड़ा चमत्कार किया। और आप सुनो, ये भी इनके पास है और खुदा ने बेटे से ब्लेस किया। बोलो क्या किया है? खुदा ने बेटे के साथ ब्लेस किया। डॉक्टर क्या कुछ बोल रहे थे, बोलो क्या है? ये जो इन्फेक्शन आ गई है, ये बहुत क्या खतरनाक होती है, आपको मुश्किल प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चे को आ सकती है, बहुत कुछ बता रहे थे। वो कहते हैं एडमिट होना पड़ेगा, इतने दिन आपका ट्रीटमेंट चलेगा। ये सीधा ही आ गई, ये एडमिट नहीं हुए, हॉस्पिटल में दाखिल नहीं हुए, विश्वास से सीधे आ गए। उस दिन मंडे था और पर्सनल जो मीटिंग होती है ना यहाँ पे लोगों के लिए, जो लोग परेशान या हालातों में समझ नहीं आ रही, तो सीधे आ गए, प्रॉब्लम बताई, खुदा का वचन बताया, समझाया, प्रार्थना हुई और उसी दिन खुदा ने बड़ा चमत्कार कर दिया है। और क्या? और जो बता रहे कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने फिर जे वाले टेस्ट किया था इन्फेक्शन का कि बच्चे को ना हो, तो जो बता रहे कि बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट आया और कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम नहीं थी। और जो बता रहे कि डिलीवरी भी इनकी नॉर्मल हुई और इस ब्लेसिंग के लिए परमेश्वर पर डिलीवरी भी नॉर्मल हुई। और जब बच्चे के टेस्ट हुए और बच्चे में बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम, जो डॉक्टर बोल रहे थे कि उस ये इन्फेक्शन उस बच्चे के अंदर भी जा सकती है, पर जब टेस्ट हुए बच्चे के भी, उसकी भी सब रिपोर्टें नॉर्मल आई और सब कुछ अच्छा है। ये कौन ऐसे काम करता है ना? गाओ अभी खुशी से, अनोखे काम करीदा आप खुशी से, जिनके बच्चे नहीं है खुदावंद उन्हें भी देने वाला है, जिनके पास कहने का नहीं है खुदावंद उन्हें भी देने वाला है।